सबसे पहले रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का जो कि हिसार से सामने आ रही है। आपको जानकारी दे दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल हिसार पहुंच चुके हैं और ये बड़ी खबर इस वक्त की आपके टीवी स्क्रीन पर। संगठनात्मक बैठक में हिस्सा ले रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। और इसके अलावा आपको जानकारी दे दें कि गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन है जिसमें वो शिरकत करेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल हिसार पहुंच चुके हैं और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अमित वर्मा जुड़ गया। अमित, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, जरा जानना चाहेंगे। बिल्कुल, भाजपा ने 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई, जिसको लेते हुए आज इस हाल के गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय के अंदर चार लोकसभा क्षेत्रों के शक्ति प्रमुखों की बैठक हो रही है, जिसके अंदर 1620 शक्ति केंद्र प्रमुख और 385 अन्य पदाधिकारी भाग ले रहे हैं, जिसके अंदर हरियाणा के मुख्यमंत्री समेत अन्य और भी बड़े चार लोकसभा सांसदों के सांसद और मंत्री यहाँ पर मौके पर आए हुए हैं। और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल अब कुछ ही देर के अंदर यहाँ पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाएंगे। जी अमित, आपसे जानना चाहेंगे कि आगामी चुनावों के मद्देनजर ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जी बिल्कुल, जिस तरह लगातार कांग्रेस और अन्य पार्टियां 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां कर रही है, उसी को देखते हुए ये मीटिंग भी एक अहम मीटिंग है, क्योंकि बीजेपी भाजपा ने एक सप्ताह पहले भी समालखा के अंदर एक सम्मेलन किया गया था, जिसके अंदर 10 विधानसभा के शक्ति प्रमुखों की बैठक हो रही थी, जिसके अंदर आज की बात करें तो आज चार लोकसभा क्षेत्र समेत 36 विधानसभा के यहाँ पर शक्ति प्रमुखों की बैठक हो रही, जिसके अंदर तमाम बड़े नेता यहाँ पर कृषि मंत्री और अन्य चार सांसद और भी यहाँ पर मौके पर मौजूद है। और यहाँ पर 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां की जा रही है, क्योंकि जमीन जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अमित वर्मा तमाम जानकारी के लिए। चलिए अब सीधा रुख करते हैं।